मैं आज दोबारा फोन, रात में फोन का वेट कर रही थी, मुझे कहते हैं दोपहर को फोन, सुबह जाते वक्त इन्होंने मुझे बोला बदराव से, मैं तो मुसासे खुदा है सवाल, उसके ऑफिस जाते हुए ये मुझे फोन करते थे, मैं छाने पाता पाता कि बस इस पे आना दोबारा तो नहीं कर, मैं वापस गई फोन, मगर मैं आने फोन की है ना, मैं को लग चीज हूँ फोन दो नम जैसे पता ये मिशु लोग मुझे कैसे सब अच्छे लोग मुझे तो मज़े आते चुस लोग मुझे दो मुझे ज़्यादा ही चुस लोग मुझे गाड़ी गई सारी बच्चे गाड़ी ड्राम बस माल ने वही मेरे डिलीवरी मुझे बस माल ने मुझे ऐठ आ रहा था नहीं स्कूल खाली ऐठ आ रहा था नहीं स्कूल जब इन चुन मैं मिस तो ही न मानूं मैं चला मिस पाई न मोल क्या को मोच क्या गई मैं कर किए थी मैं कूर कर किए थी मैं चंद शाम था भाई क्या दलील चल था दोनों में मुझे सर्जरी चला तो मैं बबू चा क्या सर्जरी से चला मगर मैं वो नुक नहीं मिशी दलील गम मैं शु शाम बोझ मत ये कि फोन है सर्जरी चला मैं मैं शु टाइम वीज बोझ मत मैं चंद चोरी चला मत मगर मैं चंद था बगर की न पापा बुझे जैसा ये मैं मिस की कोर थे मिस मिली सजा थे मिस कैसे सजा दी मैं प्रचार थे मिस पाने था बस अगर जेम किया करे ने तो कच्चन जाए मिस दाब सिंह जेस पालव चढ़ जेस मार दी जेस मगर ये क्या आज कोर था ये क्या आज कोर जावे ने हमसे से मौसम जावे नहीं हूँ और बेशोज मुझे टाइम इस ऑन ड्यूटी बच्चे पर आज गए थे इंसाफ में अलून मैंने थे इस बच्चे गए थे इंसाफ में अलून ये उस बच्चे में ये टीम गो ये को मैं ये टीम मैं शराब सुबह थे वो मुद्राव से मैं मचे पता मैं शुद्ध वो मुद्राव मैं इश्क कतर द्राव से बु मैं शहर से पता मैं शुद्ध वो मुद्राव मैं ये बच्चे वचन सुबह ये बच्चे वचन सुबह तो मुझे करना हो शारी चाहिए मैं शुनी मां तो कल करा रही कल ना मैं वचन मगर तो ये वो आज दिन क्या करूँ तो ये वो आज दिन क्या करूँ सो से सारनी वादान फादर एस मदरी बेनन उस वादान मैं उस वादान सारनी उस आज असल ट्रैफिक दिशे वापस उस नुस आज कैसे बना मगर मैं शुनी तरह फिक्र तेम क्या करे ये मन तेम कर दे मिस सिद्ध ये बुझे वन तेमिस प्रसाव दापस अगर तेम क्या करे ने तुम एमिस गए एक हाथ तो सिंह एमिस था पियर तो सिंह एमिस जंगी दाब नारी सिंह दाब जंग नार पटराइज मगर ये क्या कोशिश ये चुना तरह सोच फिक्र ये चुतम जान बूझ के कर मत मिस मैं दी तो इंसाफ मैंने से मिस बच्चे दी तो इंसाफ आज दी तो इंसाफ आज रो कम भर में दी तो इंसाफ बच्चे रात पर खत्म गमस बच्चे खत्म गम मैं करूं सूर आज खाली गमित मैं आधा रात खांदरस तथ पे मैं दह रत वन गमित माल नहीं क्या मैं डिलीवरी गमस बस वन गम कहीं मे रेत ब्रोट वो मे दी तो इंसाफ मे दी तो इंसाफ मे गौर मानन सूर तमिश वन खानर पलव तान इत कटी ये वन तमिस लागन अन मज नम मे रेत ब्रोट वो मे दी तो इंसाफ मेहरबानी कर दी तो मे इंसाफ मे ब्लेसिंग चाइल्ड केयर सेंटर आई हैव बीन रनिंग दिस इंस्टीट्यूट फॉर द लास्ट 10 ईयर्स दिस इंस्टीट्यूट बिलीव इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे स्कूल में ये है कि हम पहले इन लोगों बच्चों की साइकोलॉजी पे काम करते हैं ताकि हम देखें कि कैटेगराइज करें कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इट्स नॉट लाइक कि हम बच्चों को ला रहे हैं और अंदर रख रहे हैं उसके बाद फर्स्ट वी कैटेगराइज द चाइल्ड देन स्टार्ट वर्किंग ऑन द चाइल्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आवर इंस्टीट्यूशन गिव दैट इज़ द दीनी तालीम जिसमें कि हमारे आ जाते हैं कलमास कुल और 10 क्वेश्चन जो सीरत के दे शुड नो द बेसिक्स ऑफ द इस्लाम एंड देयर आइडेंटिटी एज वेल हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं इनकी कॉन्वर्सेशन पे और इन बच्चों की कॉन्वर्सेशन पे और इनके लिए मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं ताकि ये जाके जब इंटरव्यूज़ दें तो इट शुड बी ए फेमिलियर टाइप ऑफ ए इन्वायरमेंट फॉर देम हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कंडक्ट करते हैं जैसे फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है मॉक इंटरव्यू है कलर डे है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो कि बच्चों को पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दे देता है तो मेरा जो मोटिव ये है कि दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ द चाइल्ड तो फाउंडेशन में यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर पर्टिकुलरली द पेरेंट्स दे शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस थिंग कि बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे सबसे पहले उनको एक मदर मिलनी चाहिए व्हेन दे कम टू द इंस्टीट्यूट यू हैव टू सर्व एज अ मदर ये दिस इज नॉट अ स्कूल इट्स ए क्रच कम प्रिपरेटरी यू हैव टू प्रिपेयर द किड्स फॉर द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस एंड द हार्डशिप्स ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन क्योंकि वहाँ पर इंडिविजुअल अटेंशन बच्चों को नहीं मिलेगी यहाँ पर आप बच्चों को जितनी भी हार्डशिप्स हैं स्कूल्स की कि वहाँ पे दे हैव टू बी अमंग 70-80 किड्स तो वहाँ पर इनको अपना आप संभालना आना चाहिए कैसे हम
इनको संभालेंगे, कैसे अपने आप को संभालना, कैसे हमें खाना खाना, कैसे हमें वैन में बैठना है, तो इन्हें होमली एटमॉस्फेयर. थैंक यू सो मच. दीज आर द साइलेंट फीचर्स. देर आर सो मैनी अदर्स ऑल्सो, बट दिस इज सिंस वी रनिंग शॉर्ट ऑफ द टाइम, तो मुझे लगता है दिस मोर देन सफिशेंट फॉर द पेरेंट्स. दिस क्रच इज लोकेटेड इन द कानिसपुरा, दैट इज बिहाइंड लेविश रेस्टोरेंट.